महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिव जी पहली बार प्रकट हुए थे। शिव का प्राकट्य ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में था। ऐसा शिवलिंग जिसका न तो आदि था और ना अंत। बताया जाता है कि शिवलिंग का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी हंस के रूप में शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। वह शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग तक पहुंच ही नहीं पाए। दूसरी ओर भगवान विष्णु भी वराह का रूप लेकर शिवलिंग के आधार को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी आधार नहीं मिला। 64 जगहों पर प्रकट हुए थे शिवलिंग। एक और कथा यह भी है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग विभिन्न 64 जगहों पर प्रकट हुए थे। उनमें से हमें केवल 12 जगह का ही नाम पता है। इन्हें हम 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लोग दीप स्तंभ लगाते हैं। दीप स्तंभ इसलिए लगाते हैं ताकि लोग शिव जी के अग्नि वाले अनंत लिंग का अनुभव कर सकें। यह जो मूर्ति है उनका नाम लिंगोभव यानी जो लिंग से प्रकट हुए थे, ऐसा लिंग जिसका न तो आदि था और ना ही अंत। तो ये थी महाशिवरात्रि की एक कथा जो हमने आज आपको सुनाई। इस तरह की और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे इस चैनल प्रियंका सिंह ऑफिशियल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।